एक ओर लॉकडाउन के सिर्फ 7 दिन बाकी हैं, तो दूसरी ओर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सबसे गंभीर सवाल यही है कि 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खत्म होगा या होना चाहिए। यह लॉकडाउन खत्म हो तो भी आबादी एक साथ बाहर न आए, इसके लिए क्या किया जाए, खासकर उन जगहों पर जो कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। वी आर मॉनिटरिंग वर्ल्ड सिचुएशन एवरी मिनट, प्रैक्टिकली एवरी मिनट, एंड देयरफॉर डिसीजंस आर टेकन अल्टीमेटली इन द नेशंस एंड पीपल्स इंटरेस्ट। वी हैव टू विन दिस वॉर एंड वी हैव टू फाइनली एंश्योर दैट द कोविड goes, and therefore that decision will be declared whenever right time is there. लॉकडाउन पर सरकार के पास सीधा जवाब नहीं है, तो इसकी वजह समझी जा सकती है। सबसे ज्यादा कोरोना मामलों वाले 3 राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को लेकर चिंता बढ़ती ही जा रही है। एम्स दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने भी कह दिया है कि देश में कुछ जगहों पर हालात कोरोना के स्टेज 2 से स्टेज 3 के बीच पहुंच रहे हैं। मेरा मानना है हम दोनों स्टेजेस के बीच में हैं। ज्यादातर भारत में अभी भी हम स्टेज 2 में हैं, जहां कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। कुछ एरियाज हैं जो हम हॉटस्पॉट्स कहते हैं, जहां पे कुछ हद तक लोकलाइज कम्युनिटी स्प्रेड है, और उसको अगर हम कंटेन कर पाए और आगे और जगह ना फैलने दे तो हम स्टेज 2 में ही ज्यादातर रहें। जाहिर है ये परिस्थिति सरकारों के लिए चुनौती भरी है। सवाल है कि सरकारें इससे निपटेंगी कैसे। देश में कोरोना मामलों में जो इतनी तेजी से बढ़ोतरी हुई, उसमें तबलीगी जमात का दिल्ली जलसा बड़ी वजह है। दिल्ली के कुल मामलों में भी तबलीगी जमात के मामले सबसे ज्यादा हैं। दिल्ली में कुल 503 केसेज अभी तक पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 320 मरकज के हैं। अभी मरकज के गए कुछ लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है, जो हॉस्पिटल में हैं। इसके अलावा जो क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए 1810 लोगों को, उनकी भी सबकी सैंपलिंग कराई जा रही है, तो वो 2-3 दिन में वो रिपोर्ट सारी आएंगी। सभी का टेस्ट कराया जा रहा है, हाँ नंबर बढ़ेगा लगता है बिल्कुल। देखिए मरकज के जो नंबर बढ़ेगा ना, वो लोकल स्प्रेड है, वो एक ही जगह के रह रहे थे सभी लोग, उसको लोकल स्प्रेड में ही आएगा, वो कम्युनिटी में नहीं आएगा। कोरोना ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया है। भारत ने अब तक परिस्थिति को अमेरिका और यूरोप की तरह नहीं बिगड़ने दिया है, लेकिन हर दिन नाजुक बनते जा रहे हैं। दिल्ली से ईशा गुप्ता और आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो।